हेलो एवरीवन, तो पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे। आशा करता हूं कि ये आप लोग को एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, एक पासा और दो पासा का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। इसमें प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पूछ रहे हैं, तो फटाफट आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके लिखा, ये सॉल्व क्या पूछा है, दो सिक्के एक रुपये का तथा दो रुपये का, अच्छा हुआ बता दिया, को एक बार उछाला गया तो प्रतिदर्श समष्टि याद करिए। ये तो दो सिक्के वाला कंसेप्ट है, तो आप लोग के लिए अगर एक दो नंबर का आ गया तो प्यार से ऐसे दो सिक्के बना सकते हो आप लोग। ये यहाँ पे ऐसा बना लेना, यहाँ पे कर दिए हम लोग हेड और ये टेल, यहाँ पे आया हेड और ये आया टेल, ये एक रुपए और ये दो रुपए। अब ये कैसा आया वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग को ऐसे बॉक्स टाइप का बना के सिखाया था। अगर चाहो तो आप लोग बना सकते हो, चाहो तो आप लोग ऐसा वाला बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाने के तौर पे आप लोग को बताया, हेड टेल। चलो मेरे से पहले लिख के बता दो भाई, सम्मिश्र प्रतिदर्श समष्टि, ये तो आप लोग को सिर्फ एस लिखना था, ये तो याद हो जाना चाहिए। हेड टेल टेल हेड और टेल हेड ऐसा करके यहाँ पे लिख देना आंसर, यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो इतना ना थोड़ा बहुत कर देना, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा चेक करने वाले लोग को भी, ठीक है। तो चलो हेड टेल टेल। दूसरा बोल रहा है पासों के जोड़ो जिसमें एक लाल रंग का है, दूसरा नीला रंग का है, ठीक है, को एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कौमा अवयवों की संख्या भी ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, कितना पासे का है गेम है, दो पासे का गेम है। तो एक क्या है, जिसमें से एक लाल है, ये पासा समझ लो भाई, ये पासा समझ लेना, बार बार पासा थोड़ा बनाएंगे। और दूसरा नीले रंग का है, ये लो दूसरा थोड़ा नीले रंग का है, ये नीले रंग का, दो पासा हैं। तो हम लोग को दो पासे का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है, अभी बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में एक बार पूरा लिख लेना, आप लोग लिखोगे ये तीन, ऐसा क्वेश्चन आता है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग को पहले ही एग्जाम्पल में क्लियर करा दिया हूँ, और इसमें भी 6 आउटकम्स होते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर से लिखो 3 4 5 6। तो इसमें क्या बोला है, फेंकने में प्रतिदर्श समष्टि, याद है एक बार फेंकने के लिए बोला है, दो पासा को, तो एक बार फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, जितना लिखवाया था ना ये पूरा आएगा। एक बार फेंके तो हो सकता है वाली बात आ रही है, हो सकता है एक एक आ जाए, या किसी का हो सकता है 1.2 आ जाए, या किसी का हो सकता है 1.3 आ जाए, प्रायिकता तो है, हो सकता है, यही तो है प्रायिकता। तो ये पूरा 36 हो सकता है, ऐसे नहीं कि एक बार बोल दिया तो सर हम लोग 36 तो क्यों लिखे, अरे हो सकता है भाई, अरे आप दुनिया में 1000 लोग को बुला लो, देखना वो 36 ही केस बनेगा, उसके अलावा कुछ केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है लिख क्या है, तो एस में हम लोग ऐसे करके लिख देना 1.1 से ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाता है 6.6। एग्जाम में आएगा तो पूरा लिख के बताना, एग्जाम में आएगा तो ये पूरा लिखेंगे, और ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, है ना, मैं तो बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। और अवयवों की संख्या कितनी होती है, अवयवों की संख्या को एन ऑफ एस से कर देता हूँ, 36 होता है, कैसे आप लोग को बताया था मैं, 6 की पावर एन, और एन क्या है, पासों की संख्या 2, ये 36 आ गया। या तो गिन के देख लेना, ये देखो ऐसा होता है। अब इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक के परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समष्टि का उल्लेख कीजिए। ध्यान से पढ़ो आप लोग। पहला नंबर बोल रहा है एक बालक की जेब में, अच्छा, 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, वह अपनी जेब से एक के बाद एक दो सिक्के निकालता है, तो इसका हम लोग को प्रतिदर्श समष्टि बताना, ये बोला है ना। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, तो पहला क्वेश्चन है एक लड़का है वो अपने जेब में 3 सिक्का रखा है, 1 रुपए का 2 रुपए का और 5 रुपए का, वो एक के बाद एक दो सिक्का निकालता है, दो सिक्का निकाल लिया, एक के बाद एक दो सिक्का निकालता है, तो उसका संभावना क्या है प्रतिदर्श समष्टि, पहले का मैं लिख रहा हूं, पहले का ये मान लो मैं 1 रुपए को ए माना, 2 रुपए को बी माना, 3 रुपए को सी माना, तो एक के बाद एक वो 2 सिक्का निकालता है,
मान लो ऐसा हो सकता है कि वो ए भी निकाल लिया, यानी पहले में एक रुपए और दो रुपए एक साथ निकाल लिया, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है या वो ए और सी निकाल लिया, ए और सी, भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि वो एक रुपए और तीन रुपए लिखा हूं यहाँ पे, पांच रुपए निकाल ले, एक रुपए और पांच रुपए निकाल ले, हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है उसको ही एस में लिखते हैं। और क्या हो सकता है, देखो ए और बी, ए और सी, बी और ए भी हो सकता है, बी और ए, दो सिक्का निकाल रहा है, पहला सिक्का दो रुपए का पकड़ा और दूसरा सिक्का एक रुपए का पकड़ा, हो सकता है। या हो सकता है बी और सी, बी और सी भी हो सकता है भाई। या ऐसा भी तो हो सकता है सी और ए, कि वो सिक्का निकाला और पहला सिक्का उसका पांच रुपए का हुआ और दूसरा सिक्का एक रुपए का हुआ, हो सकता है। या सी बी भी हो सकता है। तो ये है भाई प्रतिदर्श समिष्टि, ये ऐसे। तो क्या क्या संभावित हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, वो एस में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। या तो एक काम करो आप, बहुत सारे लोग को ये केस ना, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत सारा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है। आप ना 1000 लोग को सिक्का दे दो, एक रुपए का, दो रुपए का और पांच रुपए का, पहले इंसान को बोल तू सिक्का निकाल, हो सकता है वो ये निकाल दे, दूसरे को बोलो, हो सकता है वो सेम निकाल दे, सेम निकाला तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तीसरे को बोलो, चौथे में बोलो, पांचवें में बोलो, ये 6 संभावित ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। और कई लोग बोल सकते हैं सर एक और एक का भी निकाल सकता है, अरे भाई यहाँ पे क्या बोला है, एक बालक की जेब में एक भी ठो एक रुपए का है, ऐसा नहीं बोला है एक रुपए के दो सिक्के रखें तब एक और एक निकाल सकता है, ऐसे बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझो, ये हुआ। सेकंड वाला देखो जबरदस्त है, सेकंड वाला ना जबरदस्त है, यहाँ पे मैं लिखा, सेकंड वाला बोला है एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर, ठीक है भीड़ भाड़ वाला है, ठीक है व्यस्त पर, एक वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। अब एक वर्ष है 365 दिन, व्यस्त, व्यस्त क्या है, सड़क है, उसमें से वो क्या लिखता है, होने वाली दुर्घटना को लिखता है। तो क्या क्या हो सकता है बताओ, कितने दुर्घटना हो सकते हैं। मान लो ऐसा हो सकता है कि उस एक साल में एक भी घटना ना हो, हो सकता है जीरो। या ऐसा हो सकता है कि एक साल में एक ही घटना हो, या ऐसा हो सकता है एक साल में दो घटना हो, या ऐसा हो सकता है एक साल में तीन घटना हो, ऐसे करके अनंत तक बनेगा, ये हमको नहीं मालूम। तो अनंत की ओर बोल सकते हैं अवयव बनेगा, ये कहां तक जाएगा नहीं मालूम, टूवर्ड्स द इंफिनिटी। हो सकता है 100 हो जाए, अरे हमको क्या मालूम, एक साल में दुर्घटनाओं की संख्या लिखनी है, तो दुर्घटना जीरो भी हो सकता है, या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, हमको क्या मालूम भाई, वो कितना बड़ा राजमार्ग है हमको क्या मालूम। तो देख रहे हो यहां पे ऐसा ये बनता है। तो हो सकता है, उसको ध्यान में रखो, हो सकता है उसको हम लोग लिखते हैं, यही प्रायिकता है। चौथा देखो, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, जबरदस्त है, एक सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है। तो मैं एक सिक्का बना रहा हूं, ध्यान से देखना, आगे मत पढ़ना। एक सिक्के को उछाला जाता है, ओके, और इसको मैं ऐसे करके कलर कर लेता हूं। एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि उसमें चिट प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली और 4 सफेद गेंद हैं में से एक गेंद निकालते हैं। ध्यान से देखना, एक सिक्का है, एक सिक्के को उछाला जाता है बोला। अब एक सिक्के में या तो हेड आएगा भाई साहब, या तो टेल आएगा। ये बोला एक सिक्के को अगर उछाला जाता है और अगर हेड आया तो एक थैली ये एक थैली जिसमें बोल रहा है 3 नीली गेंद, तो मैं बोल देता हूं B1 ब्लू, नीली का मतलब ब्लू होता है, तो एक नीली गेंद को B1 B2 B3, ये क्या है, नीली गेंद है, B3 ये नीली गेंद है, ठीक है। और 4 सफेद गेंद है, यानी कि W1 व्हाइट, W1 W2 W3 और W4। तो ये बोल रहा है अगर एक सिक्के को मैं उछालता हूं, ये 1 रुपए का सिक्का है, अगर उसमें चिट आ गया तो हम क्या करते हैं, एक थैली जिसमें से 3 नीली और 4 सफेद गेंद है उसमें से एक गेंद हम लोग निकालते हैं,
एक सिक्का है उसमें से हेड आ गया तो हम लोग एक गेंद निकालते हैं। यदि उस सिक्के पर पट प्रकट होता है यानी कि ये, तो हम एक पासा फेंकते हैं। अगर एक सिक्के में हेड आया तो इसमें से एक बॉल निकालते हैं, ठीक है। यदि इसमें पट आता है तो हम लोग एक पासे को फेंकते हैं। पासा में ये एक पासा है, ये इस पासे को फेंकते हैं तो इस पासे में क्या क्या आ सकता है, इस पासे में क्या क्या आ सकता है सर, इस पासे में ना सर, इस पासे में या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब हम लोग प्रतिदर समष्टि का वर्णन कर रहे हैं, मतलब कि एस लिखना है, ध्यान से देखो एस लिखना है। तो अब कैसे है इसमें ध्यान से देखना, एस लिखना है, ये समझ गए तो आप लोग फिर समझ रहे हो। सिक्का है, मान लो हेड आ गया। अब हेड आ गया तो मैं किसके पास जाऊंगा, अगर हेड आ गया तो यहाँ पे अभी हेड ही आएगा, देखो अभी हेड आ गया तो मैं किसके पास जाऊंगा, इस थैली के पास जाऊंगा, इस थैली के पास जाऊंगा। हेड आया तो इस थैली के पास, ये हेड आया इस थैली के पास जाऊंगा और एक बॉल निकालूंगा। हो सकता है वो बॉल B1 हो जाए, ये लो, या ऐसा भी हो सकता है कि हेड आया तो बॉल निकालूंगा। हो सकता है हेड आया और मैं एक बॉल निकाला वो B2 हो जाए, या हेड आया एक बॉल निकाला वो B3 हो जाए, हो गया B1 B2 B3। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड आया और मैं एक बॉल निकाला वो White 1 हो, या हेड आया W2 निकल जाए, हेड आया W3 निकल जाए, हेड आया W4 निकल जाए। अरे हो सकता है ना, हो सकता है। अरे आप सिक्का को फेंको, हेड आया एक थैली में जाके ऐसे बॉल निकाल लो तो हो सकता है आपके में HB1 आ जाए, या हो सकता है किसी इंसान फेंका एच आया और बॉल निकाला तो हो सकता है वो B2 आ जाए, हो सकता है वो B3 आ जाए, B4, ये W1 W2 W3 W4, यही आएगा भाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, किसी के सिक्के में टेल आ गया। अगर टेल आएगा तो वो पासे को फेंकेगा, अगर टेल आया तो वो पासे को फेंकेगा, हो सकता है उस पासे में एक आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि टेल आया पासा फेंका तो 2 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है T3 T4 T5 T6, ये ऐसा पूरा। तो ये हुआ भाई, ये आंसर हुआ। ये तो ये हुआ, देखो ऐसा करके लिखते हैं जबरदस्त तरीके से, इसी से प्रायिकता का क्वेश्चन बनेगा, वो सब बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब बोला है एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को, यदि उस पर चिट प्रकट होता है, ध्यान से देखो, एक सिक्का में बनाया, एक सिक्के को ये यही कलर क्यों आ रहा है, एक सिक्के को उछाला गया तो एक सिक्के में मेरे को यार हेड प्राप्त हो सकता है या तो टेल, सर गजब। अब उसमें बोला, उसमें ये बोल रहा है कि यदि उस पर चिट प्रकट होता है, ये चित्त नहीं चित होता है, यदि उसमें चिट प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। मतलब एक सिक्का है ये, अगर उसमें बोला चिट प्रकट हुआ तो सिक्के को पुनः उछालेंगे, सिक्के को पुनः उछालोगे, मतलब अगर यहाँ पे चिट प्रकट हुआ तो आप लोग उस सिक्के को पुनः उछालोगे। तो इस सिक्के के साथ भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है, पुनः उछालोगे। एक सिक्का है उछाले, अगर हेड आया तो उस सिक्का को पुनः उछालोगे, तो उस सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यदि तो उसे पुनः, यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है, पट मतलब ये, तो एक पासा फेंका जाता है, पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है, पासा ये है भाई पासा, ये मैं पासा बना दिया, एक पासा फेंका जाता है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से बता रहा हूँ ना, बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब पढ़ो ना तो ऐसे दिल खुश होना चाहिए तब पढ़ो, वरना पढ़ने का क्या मतलब है, मजबूरी में कौन पढ़ता है, मजबूरी में तो यार मतलब मजबूरी में तो हर कोई काम करता है ना, मजे के लिए काम करे तब समझ में आए। तो एक पासा को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये बस इतना ही है। तो प्रतिदर समिष्टि ज्ञात करना है, इसमें भी सिंपल है यार, देखो क्या होगा, सिक्का को फेंका, हेड आया, फिर से फेंकूंगा तो हेड आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है,
सिक्का को फेंका, हेड आया। पहले एक एक वाला टास्क पूरा कर लो ना, इधर वाला। हेड आया तो हो सकता है यहाँ पे फेंका तो टेल आ जाएगा, इधर वाला काम हो गया। अब इधर वाला काम करते हैं, इधर वाला काम करते हैं। एक सिक्का को फेंका तो हो गया, टेल आ गया। फिर पासे को फेंकूंगा तो पासे में एक आ जाएगा। फिर फेंका तो टेल आया, पासा फेंका तो पासे में दो आ जाएगा। फिर टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, ये हो गया यार, ये हो गया। समझ में आ रहा है? मस्त, पूरा वीडियो देखो यार आराम से, तब समझ आएगा। ऐसे थोड़ा आएगा, तब आसान थोड़ा है, हा? ये देखो ये हुआ, तो ठीक है। फिर अब ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो ये क्या है। ये तो अभी तक आप लोग को जो मैं बताया, क्वेश्चन पाँच, क्वेश्चन चार, क्वेश्चन तीन, क्वेश्चन दो और क्वेश्चन एक, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं। और मेरा पहला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं ये पूरा बेसिक की आप लोग को बात किया था, ये जरूर देखना यार। ये नहीं देखोगे तो कैसे बनेगा? तो आप लोग को मैं पूछ रहा, मैं फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, आगे बढ़ रहा हूँ ना मैं। ये आप लोग को पूरा समझ में आया क्या यार? कमेंट वमेंट कर डालो यार। हाँ, ये देखो क्या ज़बरदस्त तरीके से मैं बताया, क्या ज़बरदस्त तरीके से मैं बताया। तो ये इसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, घटनाओं का बीजगणित, घटनाओं का बीजगणित, ठीक। पूरक घटनाएं क्या होती हैं? पूरक घटनाएं होती है, इसको हम लोग पूरक घटनाएं को ए डैश या ए बार से शो करते हैं। ए डैश का मतलब होता है कि ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ। आगे क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ए को छोड़ के सब कुछ। देखो घटना ए या बी, घटना ए या बी, जब कभी भी या आता है, या आता है तो हमेशा जो ये साइन है ना, ये यूनियन का साइन लगता है, यूनियन का। और जब कभी भी और आता है, जब कभी भी और आएगा तो इंटरसेक्शन का साइन लगेगा ऐसा। ये क्या होता है, ग्यारहवीं में पढ़े हैं और यहाँ पे भी मैं बेसिक बताऊंगा, मैं अपने स्टूडेंट लोग को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे लिखना है घटना ए या बी, तो मैं ए की जगह ए लिख दिया, या है, या को हम लोग कैसे शो करते हैं, यू से, और ये बी की जगह मैं बी लिख दिया। ध्यान से देखते जाना, इंपॉर्टेंट है। ए और बी बोला, घटना ए और बी, तो ये ए है, और को कैसे शो करते हैं, और को इंटरसेक्शन से शो करते हैं, और ये बी। यहां बोला ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं का मतलब होता है ए किंतु बी नहीं, मतलब ए किंतु बी नहीं का मतलब ऐसे माइनस बी कर दो, ये हो गया ए किंतु बी नहीं। अगर मैं बोलूं बी किंतु ए नहीं, तो यहां पे आ जाएगा बी किंतु ए नहीं। ये किसके लिए, बी किंतु ए नहीं, और ये ए किंतु बी नहीं। ध्यान से देखते रहना बस। ए यूनियन बी क्या होता है, आप लोगों को, आप पहले भी पढ़ चुके हो, जस्ट मैं ऐसे बता देता हूं ताकि आप लोग ये डायग्राम को देख के कभी डरो मत। देखो ए यूनियन बी है ना, ये क्या होता है, ये बस ध्यान से बस देखते रहना, हो गया, बस ध्यान से बस देखते रहिएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा, ये पूरा भाग, ये पूरा ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी, ए और बी के सब अवयव को ले लो, ए यूनियन बी होता है। वेन डायग्राम आप लोग ग्यारहवीं में पढ़े होंगे, ये क्या होता है, ए यूनियन बी। ये वाला जो है मेरा ए का गोला है और ये बी का गोला है, ए यूनियन बी होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ये ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लेते हैं, ऐसा जो दोनों में कॉमन हो, तो ध्यान से देखना, ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। तो ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन है ना, ए यूनियन बी में सब और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट लेते हैं। और ए माइनस बी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अभी मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूं, ए माइनस बी की मैं बात करूं, ए माइनस बी की मैं बात कर रहा हूं, ए माइनस बी की बात कर रहा हूं, तो ये ए का गोला है, ये बी का गोला है। ए माइनस बी में बी का भाई सब हटा ले, ये बी का पार्ट सब हटा ले, जो बच गया वो ए का, जो बच गया वो ए का। बच्चों ये एक्चुअली आप लोग ना ग्यारहवीं में पढ़े हो, ग्यारहवीं में पढ़े हो आप लोग, ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी। वैसे बी माइनस ए का क्या होता, बी माइनस ए का क्या हो जाता, क्या आप लोग बता सकते हो, बी माइनस ए का क्या हो जाता, बी माइनस ए का, बी माइनस ए का क्या हो जाता, बी माइनस ए का ना सर, सर हम बताएंगे, जैसे ए है और ये बी है,
बी माइनस ए में ये वाला पार्ट बी का हो जाता है। ए वाले में हम लोग जाएंगे ही नहीं, ए वाले में हम लोग जाएंगे ही नहीं, ए वाले में हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो ये हुआ, ये आप लोगों को मैं बताया। तो अब ये क्या है, कैसा है, वो सब बताऊंगा। देखो ये क्या बताया मैं, हैं, ये देख रहे हो क्या जबरदस्त तरीके से, ये देख रहे हो आप लोग पूरा, ये देख रहे हो, ये देखो ये क्या बताया आप लोग को जबरदस्त तरीके से, ये देखो ये यहाँ पे देखो ये कितना बेहतरीन लग रहा है, हाँ ये देखो कितना जबरदस्त है, यहाँ पे पूरी बात कट डाला मैं, इसको पूरी बात कट डाला, ये डाइस वाली, यहाँ पे देखो तीन सिक्के वाली बात कट डाला, ये पूरा बात कट डाला। तो ठीक है बच्चों, अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरा कंसेप्ट को ध्यान से देखना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चर्चा चलाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।